रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम की सामान्य सभा आज होने जा रही। 31 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर सभा में चर्चा होनी है। विपक्ष के सवालों के भी जवाब दिए जाएंगे। सामान्य सभा में हंगामा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के सवालों के लिए जवाब भी दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां सामान्य सभा में हंगामा होने के भी आसार देखे जा रहे हैं। नगर निगम की सामान्य सभा आज होने जा रही है और 31 एजेंडों पर ये चर्चा होगी। 31 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होगी, विपक्ष के सवालों के जवाब भी देने होंगे। तो बिल्कुल अब हंगामेदार स्थितियां बिल्कुल निर्मित होती हुई नजर आएंगी। अब देखना होगा ऐसे 31 कौन से एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, नगर निगम के लेकर आज एक सामान्य सभा होने जा रही है, 31 एजेंडे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ इस सामान्य सभा में होगा, क्योंकि हंगामेदार होने के भी आसार देखे जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक आज है और बैठक सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी और इस बैठक में 31 एजेंडों पर जो है चर्चा की जाएगी। 31 एजेंडों पर चर्चा के बाद इसे जो है सर्वसम्मति से पारित भी किया जाना है, जिसमें 20 करोड़ के जो बॉन्ड है जो विकास कार्यों के लिए जारी किए जाने हैं इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज, जो ई बस संचालन जो रायपुर सिटी में होना है इस संदर्भ में चर्चा की जाएगी। जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण का जो मामला है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। ऐसे 31 एजेंडे हैं जिसपे चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के दौरान जो है सामान्य सभा में हंगामा होने के भी आसार हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो रायपुर शहर में जिस तरीके से जो अमृत मिशन के तहत जो गड्ढे खोदे गए हैं और जो जगह जगह जो सड़क मार्ग खोदे गए हैं, धूल जो उड़ रही है, उस मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाकर हंगामा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो विकास कार्य ठप है, स्मार्ट सिटी के कार्यों में जो घोटाले हुए हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष के सदस्य जो है वो पर सत्ता पक्ष के जो सदस्यों को घेर सकते हैं, तो काफी हंगामा होने के आसार इस बैठक में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो सड़क गड्ढे को लेकर और मूलभूत सुविधाओं को लेकर हंगामेदार स्थितियां निर्मित होने जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए।